राजस्थान में कल देर शाम से शुरू हुई सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ गई है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर समेत कई जिलों में आज सुबह कोहरा रहा। चूरू के तारानगर में कल देर शाम हल्की बारिश हुई। सर्द हवा के कारण माउंट आबू का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 3 पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में 1-2 दिन में मौसम साफ होगा। तापमान में बड़ी गिरावट होने से सर्दी तेज होगी। राजस्थान में आज तापमान की स्थिति देखें तो सबसे सर्द रात माउंट आबू में रही। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। माउंट आबू को छोड़कर सभी शहरों में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। कोटा, उदयपुर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले आज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। चूरू, गंगानगर में न्यूनतम तापमान आज 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कल देर रात से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, इससे ठंडक बढ़ गई। सुबह भी इन जगहों पर हल्की स्पीड से ठंडी हवा चली। हवा चलने और कोहरे के कारण जयपुर में आज मिनिमम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, अलवर समेत कई शहरों में आज सुबह घना कोहरा रहा। जयपुर में दिल्ली बाईपास पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 250 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण वाहन चालक को सुबह अपनी गाड़ियां बाईपास पर चलाते समय हेडलाइट ऑन करके चलानी पड़ी। कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा। भरतपुर अलवर रूट से आ रही ट्रेनों की स्पीड थोड़ी कम रही। कल भी जम्मू तवी, रानीखेत आश्रम समेत कई ट्रेन 15 से लेकर 60 मिनट की देरी से जयपुर पहुंची। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।